बांग्लादेश के अंदर कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने और कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स ने एक बड़ी शानदार किस्म की कैंपेन स्टार्ट कर रखी है, जिसको इंडिया आउट कैंपेन या बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन कहा जा रहा है। अब इसके जियोपॉलिटिकल एंगल पे तो हम बात करते रहे हैं कि ये असल में कैंपेन इसलिए स्टार्ट की गई है क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा था, तो उसके प्रोटेस्ट में वहाँ के लोकल लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट की है और इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कैंपेन का जहाँ ये जियोपॉलिटिकल एंगल है ना, वहीं पे इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है जिस पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे। और अगर आप इसको केयरफुली देखें तो इस कैंपेन की सक्सेस बेसिकली बांग्लादेश की इकोनॉमी के खुद के इंटरेस्ट में, यानी ये कैंपेन बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट में एक तरह से देखा जाए तो, वो यूं कि बांग्लादेश जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा होता है वो डॉलर्स में कर रहा होता है, यानी बांग्लादेश जो चीजें एक्सपोर्ट करता है ज्यादातर यूरोप और अमेरिका को करता है और वहां से मोस्ट ऑफ द डॉलर्स जो अर्न कर रहे होते हैं वो वहां से अर्न कर रहे होते हैं, और उन डॉलर्स को यूज करते हुए बांग्लादेश जो इंपोर्ट करता है वो ज्यादातर चाइना और इंडिया से कर रहा होता है। अब इंडिया से जो बांग्लादेश का ट्रेड है इसमें एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि 12 बिलियन डॉलर के लगभग जो बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा होता है इंडिया से, तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि नेट अगर आप देखें तो 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा बांग्लादेश दे रहा होता है इंडिया को, और ये ट्रेड डेफिसिट बांग्लादेश कहाँ से कवर कर रहा होता है? अमेरिका से, जो डॉलर कमाते हैं मोस्टली ये जो गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश का अर्न कर रहा होता है, अमेरिका और यूरोप से। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गया है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश फेस कर रहा है जिसको बांग्लादेशी मीडिया ज्यादातर नहीं दिखा रहा, लेकिन इस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट करता है ना, वो अमेरिका को करता है और यूरोप को एसेट करता है, लेकिन वहां पे एक तरह का रिसेशन स्टार्ट हो गया है अमेरिका के अंदर, और शदीद किस्म का रिसेशन स्टार्ट हो गया है। एज अ रिजल्ट वहां की जो फैशन इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, केयरफुली सुनिएगा। वहां की जो फैशन इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन में है, और उस डिक्लाइन की वजह से ना सिर्फ गारमेंट्स बल्कि दीगर जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सामान है वो वहां पे लोग नहीं खरीद रहे ज्यादा, और इस वजह से ना सिर्फ बांग्लादेश की गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हुई है, बल्कि इंडिया की भी डाउन हुई है, चाइना की भी डाउन हुई है, और बहुत सारे और भी मुल्कों की जो अमेरिका को चीजें बेच रहे होते हैं इनकी एक्सपोर्ट डाउन हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी डाउन हुई है, तो एक बहुत बड़ा फिगर सामने आ रहा है, 25%, विच इज अज अमाउंट। एक साल के अंदर अगर किसी मुल्क की किसी मार्केट के अंदर 25% सेल डाउन हो जाए, एक्सपोर्ट डाउन हो जाए, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। नाउ इसको आप वेस्टर्न सैंक्शन से मत जोड़िएगा कि ये कोई वेस्ट ने सैंक्शन लगा दिए इलेक्शन की वजह से, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री के अंदर डिक्लाइन आया हुआ है, इंटरनली जो डिमांड है वो ड्रॉप हो गई है। डिमांड ड्रॉप होने की वजह से सारे मुल्कों की, खुद इंडिया की भी ड्रॉप हुई है, वहां पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट हो रही होती है अमेरिका के अंदर वो भी ड्रॉप हुई है। ऑर्डर्स ज्यादा मिल नहीं रहे कंपनियों को गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बांग्लादेश को जो डॉलर्स मिलने होते हैं, जिन डॉलर्स को वो इस्तेमाल करते हुए इंडिया समेत दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो डॉलर्स कम मिलेंगे। कम मिलने की वजह से उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके ऊपर मजीद दबाव बनेगा, और उनके पास इंपोर्ट करने के लिए डॉलर शॉर्ट होंगे। ऐसे में जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि आप अपने लोकल जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स हैं उन पर रिलाय करें बजाय इंपोर्टेड चीजों पे। अब इस पे आगे जरा बात करता हूं, लेकिन पहले रेफरेंस दिखाना बड़ा जरूरी होता है। ये जो मैंने बात की कि गारमेंट इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की है वो डिक्लाइन फेस कर रही है, इस पे डेली स्टार ने एक दो रोज पहले बहुत बड़ी खबर लगाई है। कहते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्ट्स टू यूएस ड्रॉप्ड 25% लास्ट ईयर। मित्रों याद रखिएगा, अमेरिका बांग्लादेश की सबसे बड़ी मार्केट है, ये सबसे बड़ी मार्केट के अंदर इतना बड़ा डेंट पड़ा है, 25% एक्सपोर्ट ड्रॉप हुई है वहां पे, तो इसका मतलब है 25% डॉलर वहां से कम मिलेंगे आपको। और आगे वो बता रहे हैं डिटेल्स के गारमेंट एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स द बिगेस्ट मार्केट फॉर बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स डिक्लाइंड बाय अराउंड 25% ईयर ऑन ईयर टू 7.28 बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर फॉर अ स्लो डाउन इन इम्पोर्ट्स बाय अमेरिकन फैशन रिटेलर्स
and brands due to high inflationary pressure. Last year, overall imports of textile and garment items by the United States declined by 20.51% to $104.95 billion, according to data from the Office of Textile and Apparel of the U.S. तो आप देखिए कि इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन हुआ है, वहाँ से परचेजिंग कम हो गई है उनकी, वो जो परचेज कर रहे होते हैं बाकी दुनिया से वो कम कर दिया उन्होंने. एज अ रिजल्ट प्रेशर किस पे पड़ रहा है, उनके जो सप्लायर्स हैं उनमें बांग्लादेश भी एक है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है. इसका मतलब है डॉलर्स कम आएंगे. और ये स्लो डाउन कब तक रहेगा वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फॉर श्योर, क्योंकि इंडस्ट्री की बात है, ये ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता. अमेरिका की इकोनॉमी वैसे भी गिर रही है वहाँ पे, और वहाँ पर लोग वैसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. बाइडेन के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, और आप पैसे यूक्रेन को दे रहे हैं, रशिया को, रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए दे रहे हैं, और इसराइल को दे रहे हैं, उनके ऊपर शदीद दबाव बन रहा है. और इधर रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं और ये जो प्री पोल जो सर्वेज आती हैं उसमें ट्रंप की जो पोजिशन है वो बेहतर होती चली जा रही है. और ट्रंप असल में यही बातें कर रहा है कि इधर उधर पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाने की जरूरत है, वो लोगों की बात कर रहा है. एज अ रिजल्ट उसकी रेटिंग बढ़ती जा रही है और बाइडेन की कम होती जा रही है. तो ये मामला उनका कब तक ठीक होगा, उनकी इकोनॉमी, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन उनसे जुड़े हुए जो सप्लायर्स हैं जैसे बांग्लादेश है, तो इन इंडस्ट्रीज को यकीनी तौर पर हिट पड़ने जा रहा है अगले कुछ अरसे तक. ऐसे में जरूरी है कि बांग्लादेश अपने जो डॉलर्स है वो इफेक्टिवली यूज़ करे, ठीक तरीके से यूज़ करे. और ज़्यादातर उनका जो दारोमदार होना चाहिए अपने गुड्स के ऊपर होना चाहिए, और यही असल में इंडिया आउट कैंपेन का बुनियाद है. इसकी अगर आप कोर ऑब्जेक्टिव देखें कैंपेन के, तो वो यही है कि इंडिया की बजाय अपने प्रोडक्ट्स को आप परचेज करें, अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को जो कि 100% बांग्लादेशी हो. उससे क्या होगा कि आप जो बाहर से चीज़ें डॉलर्स खरीद के और मंगवा रहे होते हैं वो नहीं भरने पड़ेंगे. एज अ रिजल्ट डॉलर की आपकी जो कंजप्शन होगी वो कम होगी. तो ये जो बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन है ये एक तरह से बांग्लादेश के फेवर में भी, अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन को भी देखें तो ये जस्टिफाई कर रही है. एक तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना इंडियन इंटरफेरेंस के खिलाफ, लेकिन इकोनॉमिक एतबार से भी इसका एक बहुत बड़ा पहलू है जिसपे लोग देख नहीं रहे. इसको भी देखना चाहिए कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी कैसी जा रही है. ऐसे में चीजें बहुत ज्यादा कोई अच्छी नहीं है और डॉलर के जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है. ऐसे में बेहतर यही है मेरे ख्याल से कि लोकल चीजों के ऊपर रिलाय किया जाए. लेकिन कुछ कुछ हिंट्स ऐसी आ रही हैं इंडिया से जिससे महसूस हो रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स बांग्लादेश को दबे दबे अल्फाज में ये बता रहे हों कि देखो आपको भली डॉलर्स कम मिल रहे हों लेकिन हमें डॉलर देना बंद मत करिएगा. इंडिया का हाई कमिश्नर है, उसने आज ऐसी ही एक बात की है. उसने कहा कि देखो आप हमारे ना सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं और इंडिया जो है वो आपकी सबसे बड़ी मार्केट है एशिया के अंदर. दूसरे लफ्जों में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशियों को कि देखिए हमारे जो डॉलर है वो बंद मत करिएगा, बाकी आपका जो हिसाब किताब है वो आप देख लीजिएगा. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पे रिपोर्ट किया हुआ है कि इंडिया इज बांग्लादेश लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन एशिया, इंडियन हाई कमिश्नर. ये आजकल कहने की क्या जरूरत थी, ये तो काफी अरसा हो गया इस चीज को, तो पहले नहीं बात कर रहे थे अब कर रहे हैं, क्योंकि अब वो देख रहे हैं इंडियंस मेरे ख्याल से कि सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल हो रही है और अमेरिका की इकोनॉमी गिरने की वजह से बाकी की दुनिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो वो बांग्लादेश को बेसिकली बता रहे हैं कि हमारे से आप परचेजिंग कम मत करिएगा, ये कम मत करिएगा. इसमें वो बता रहे हैं कि इन फिस्कल ईयर 23 अंटिल फेब्रुअरी इंडियन एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश टैलीड एट $10.63 billion इक्वलेंट टू 2.6% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स. कोवर्सली बांग्लादेश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड टोटल्ड $1.86 billion constituting 0.28% of India's overall imports. इसका मतलब है कि ये जो $10.63 billion आप import कर रहे हैं इंडिया से, इसमें से अगर आप $1.86 माइनस कर दें जो कि आप एक्सपोर्ट करके इंडिया से जनरेट कर रहे होंगे, फिर भी आपने $8.7 billion इंडिया को देने ही देने, ज्यादा देने उनको. तो ये आप कहां से पे करेंगे, रिजर्व से.
और ऐसे वक्त में पे करेंगे जब आपके पास अपना इनफ्लो थोड़ा सा डाउन होने वाला है अमेरिका के फैक्टर की वजह से। तो जरूरी है कि बांग्लादेश की ये जो कैंपेन है इंडिया आउट कैंपेन, इसको सक्सेसफुल बनाया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो मेड इन बांग्लादेश चीजें कंज्यूम करें, ताकि बांग्लादेश का जो इम्पोर्ट का बिल है उस पे काबू पाया जा सके।